इसीलिए जितेंद्र सिंह जी जो कि डीओपीटी हेड है उन्होंने तर्क दिया है कि फीजिबल नहीं है। हमने उनसे पूछा कि फीजिबल क्यों नहीं है, वो हमें बताते नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट बैठी थी माननीय सुशील मोदी जी की अध्यक्षता में, उन्होंने हमारे फेवर में डिसीजन दिया है कि इन बच्चों को अटेम्प्ट मिलना चाहिए। डीओपीटी हेड मतलब मैं डीओपीटी की बात बता रही हूँ, वहाँ से एसएससी जीडी वालों को अटेम्प्ट उन्होंने एज रिलैक्सेशन 3 साल का दिया है। हमें गवर्नमेंट से ये पूछना है यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है हमसे क्या दुश्मनी है। पर ये मैं तीसरी बार आ रही हूँ अटेम्प्ट के लिए और इन लोगों ने न जाने कितने ही प्रोटेस्ट किए हैं। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ना, भी रजाई कंबल में सड़क पर पड़े हैं, फुटपाथ पर पड़े हैं। दीज आर द क्रीमियस लेयर इन मैटर्स ऑफ एजुकेशन, दिस इज द शेम ऑन दिस कंट्री। ये हमारी कंट्री का बैड लक है कि आज हम लोग फुटपाथ पे पड़े हैं। हम अपने लिए एक अवसर मांग रहे हैं कि हम शांति से एग्जाम दे सके। कोविड क्या था हमको बताने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को। वो बच्चे कहाँ से पढ़ लेते, कहाँ से वो इक्वली पढ़ लेते जिनके घर में मौतें हो रही हैं, जो खुद कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो प्रीलिम्स दे पाए, मेंस में बैठ नहीं पाए, मेंस में बैठे तो आधे में से उनको हटना पड़ा क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे। ये इतने शरीफ बच्चे हैं कि जो जाकर खुद से पहले बताते कि सर हम प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं करना चाहते, हमें कोविड हो गया, हम क्या करें, तो हमें जवाब आता है कि ये देख लिया जाएगा। और उसके बाद से हमें कंटिन्यूअस जवाब पे जवाब मिली जा रही है। ये प्रशासन ने हमें 2 साल से लगातार ठगा है। मकसद हमारा सरकार से इतना है कि कोविड-19 में आप कहते हो आपने एग्जाम करवाया और आप कहते हो कि ये फेयर कंपटीशन था। मैं यहाँ खड़े हुए सभी साथियों से पूछता हूँ, क्या वो फेयर कंपटीशन था? नहीं था। एग्जाम के मेंस परीक्षा के कुछ दिनों पहले मैं अपने छोटे भाई को खोता हूँ, उस मनोस्थिति के साथ मैं एग्जाम हॉल में जाता हूँ। मेरे कई साथी खुद इन्फेक्टेड हो गए, जिनको एग्जाम हॉल में एंट्री ही नहीं मिली, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, उनको बस वापस कर दिया गया। हम इतनी मेहनत से पढ़ाई करके एग्जाम हॉल तक इसलिए जाते हैं कि हमें वापस कर दिया जाए? इसलिए हमारी थाली से एक रोटी छीनी गई है, हमें वो रोटी वापस चाहिए, हमें हमारा अटेम्प्ट चाहिए। हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर लेंगे लेकिन हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें एग्जाम देने का मौका चाहिए। हम सरकार से कोई नौकरी नहीं मांग रहे। हम लोग का एक ही डिमांड है कि हम लोग का कोविड में हमारे अटेम्प्ट चले गए जो अच्छे से प्रिपेयर नहीं था, तो हम लोग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड करें। जो गवर्नमेंट बोल चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रूल्स बनाकर लाइए, बच्चों को दीजिए सारे एग्जाम में अदर देन यूपीएससी, सारे एग्जाम में दिया गया सबको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, बट यूपीएससी एस्पिरेंट को क्यों नहीं दिया जाए? बस उसी के प्रोटेस्ट में हम लोग आकर डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दीजिए 2 साल में जो हुआ कोविड के टाइम पे। पिछले 2 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दी जाए, एज रिलैक्सेशन दी जाए। मेरी ग्रैंड मदर हैं, उनको कैंसर था, आप पता कर सकते हैं सफदरजंग में उनका इलाज चल रहा था, मेटास्टेटिक स्टेज का कैंसर था, उसमें हम टोटली बिजी थे। कोरोना के टाइम आपको पता है किसी की पढ़ाई नहीं हुई, यहाँ के खर्चे आपको पता है कि हम किस तरह सर्वाइव करते हैं। मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ फिर पढ़ाई करता हूँ, घर पे आधे लोगों को कैंसर है, किसी को बीमारी थी, किसी को कोरोना था, उसके बावजूद हम एक सपना लेके जीत रहे हैं कि हमें यूपीएससी का अटेम्प्ट मिले और हम उस यूपीएससी के अपने सपने को पूरा कर सके। हम सिर्फ गवर्नमेंट से इतनी डिमांड कर रहे हैं कि वो हमें सिर्फ 2 अटेम्प्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जब वो सबको प्रोवाइड कर सकती है तो एक हमें वो फेयर ग्राउंड क्यों नहीं दे सकती।